नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, चलें अमेरिकी ओर, ये हमारा मुख्य कार्यक्रम है कि अमेरिकी तरफ हम कैसे चलें। अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बनने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपका परिश्रम, दूसरे नंबर पर आपका भाग्य, और तीसरे नंबर पर आपका वास्तु। जब हम कर्म करेंगे और भाग्य साथ देगा तो एक और एक 11 का काम करेगा, लेकिन वास्तु भी अगर उसके अंदर सहायक हो जाए तो 111 का काम हो जाएगा, यानी हम 100 गुना अधिक जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब उसके लिए कर्म हम कर सकते हैं और भाग्य जो है वो हमारे पूर्व जन्मार्जित संस्कारों से बना हुआ होता है, लेकिन वास्तु तो हम सुधार सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इस प्लॉट की तरफ। तो हम अमीर कैसे बने? अगर आपके घर में इस प्रकार का वास्तु है, कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर अमीर भी हैं और इस प्रकार की जायदाद आपने खरीद ली, तो अब आपका जो है पीछे जाना ही संभव है, आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। और वो क्या है, ये एक प्लॉट है, मैं पूरे प्लॉट का नक्शा नहीं दे रहा हूँ, मैं मात्र केवल उसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ, और वो पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कहते हैं। और यहाँ पर ये WC यानी शौचालय, तो शौचालय अगर यहाँ पर बन जाएगा तो उसमें क्या क्या दोष आ जाएंगे। अब ये जो कि मकान का सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब यहां जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, और मध्य के अंदर आकाश तत्व है। लेकिन उसी के साथ साथ अब यहां पर ये बृहस्पति की जगह है, और बृहस्पति देवगुरु है। अब आप एक बात बताइए, पहली बात तो मकान के अंदर शौचालय होना ही नहीं चाहिए, तो होना कहाँ चाहिए? अगर हम पुराने समय की बात करें तो पहले के समय घर के अंदर शौचालय नहीं होता था, घर के आसपास कहीं शौचालय नहीं होता था, दूर सुबह प्रातःकाल लोटा लेकर के और शौचालय के लिए जाया करते थे दक्षिण दिशा के अंदर। उसके बाद में शहरीकरण होने लगा तो बाउंड्री वॉल के अंदर एक शौचालय बना दिया जाता था, जिसमें जितने भी जो है कुटुंबी जन जितने भी होते थे और सब एक साथ रहने वाले होते थे और एक शौचालय इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब समय और बदला तो कोठियां बनने लगी, कोठी के अंदर एक शौचालय होता था, और अब सुविधा और बढ़ाते बढ़ाते अब हर कमरे के साथ में शौचालय बनाने लग गए, जो कि बिल्कुल निषिद्ध है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ। ये जो जगह है नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण है, बृहस्पति की जगह है, और यहाँ पर अगर शौचालय हो जाएगा तो ये वास्तु का मस्तक है, और जहां आपका मस्तक हो और वहीं पर अगर गंध आती हो तो आप स्वस्थ रह पाएंगे? कभी भी नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो वहां पर जो है बीमारियों का घर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मानसिक विकृति वहां पर आने लग जाएंगी, याददाश्त समाप्त होने लग जाएगी, बुद्धि का विकास क्षीण हो जाएगा, यानी बुद्धि का विकास ही नहीं होगा। और एक बात और है, यहाँ पर यह बृहस्पति का स्थान है, यहाँ तो देवस्थान होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हमने जब शौचालय बना दिया तो अब हमने वहाँ पर दोष पैदा कर दिया है। बृहस्पति वहाँ पर विकृत हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, और बृहस्पति अगर बिगड़ जाएंगे तो पहली बात संतान के देने वाले, संतान के कारक बृहस्पति हुआ करते थे, पहली बात तो संतानें होंगी नहीं, और जब संतान नहीं होंगी तो फिर
और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी और चौथे नंबर पर सोचने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। जब इतने विकार जब आ जाएंगे तो आप कितने भी धन संपन्न हो, अंततो गत्वा आपको जो है गरीबी के रास्ते में चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शौचालय का होना हमारे आर्थिक विकास को रोकता है, मानसिक विकास को रोकता है, पुत्र संतान को रोकता है। कन्या संतान होने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन पुत्र संतान को होने में रोकता है। और पुत्र संतान पहली बात तो होती नहीं है, और होती भी है तो वो जो है विकृत मस्तिष्क की होती है, मानसिक विकास नहीं होता उसका, या फिर वो विकलांग होगी। और विकलांग हो गई और मस्तिष्क का विकास नहीं है तो हम जीवन में उत्थान कैसे प्राप्त करेंगे, उन्नति हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जो है ये शौचालय यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। अगर जीवन के अंदर हमें उन्नत होना है, अमीर बनना है, तो ये बातें मैं आपको एक एक करके और बताता चला आ रहा हूँ और बताता चला जाऊँगा। इसी तरह आपकी कोई भी इमारत है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, फार्म हाउस है, होटल है, आपका कोई भी फैक्ट्री है, गोदाम है, दुकान है, मकान है, कुछ भी आपकी जो है निर्मित अनिर्मित कोई भी जो है आपके भवन हैं, उसके लिए कोई भी आपको सलाह लेनी है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और अपॉइंटमेंट आप लेकर के और आप मिल सकते हैं, नक्शा दिखा सकते हैं और बुला करके आप साइट विजिट भी करा करके लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये तीन पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये दो नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है। जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन तीन पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।